Tudo isso tá? सिम्पी थैजा नाम की एक मिनी सीरीज एक तरह से हमें देखने को मिली है जियो सिनेमा के द्वारा जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ ये एच द्वारा बनाई गई है और एच का ही एक कॉन्टेंट है और इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जियो सिनेमा द्वारा किया जाता है तो आप जियो सिनेमा पर इसे देख पाओगे तो आज हम इसी सीरीज़ के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं मैं आपको बता दूँ ये एक मिनी सीरीज रहने वाली है जिसके अंदर पाँच से छः तकरीबन आपको एपिसोड देखने को मिलेगा और इसी के बाद इस सीरीज का डी एंड एक तरह से हो जाएगा तो आज हम इसी सीरीज के बारे में आपको सारे कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं इसकी इंफॉर्मेशन जैसे कि प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग फैक्ट डिटेल अपडेट कब कब ये एपिसोड हमें देखने को मिलने वाले हैं और किस सिक्वेंस में साथ ही साथ कितने एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं द सिंपैथाइजर एक ऐतिहासिक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा लघु श्रृंखला है जो वियत थान गुएन के इसी नाम के 2015 हज़ार पुरस्कार विजेता श्रृंखला सह श्रोता पार्क चान वूक और डॉन मैककेलर द्वारा बनाई गई थी साथ ही पार्क ने श्रृंखला के लिए निर्देशन भी किया था श्रृंखला का प्रीमियर 14 अप्रैल 2024 को एचबीओ पर हुआ और इसका निर्माण ए चौबीस और रोम्बस मीडिया द्वारा किया गया है परिसर यह सीरीज दक्षिण वियतनाम सेना में उत्तरी वियतनाम के प्लांट कैप्टन की कहानी पर आधारित है वियतनाम युद्ध के अंत के करीब उसे अपने जनरल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भागने के लिए मजबूर होना पड़ा दक्षिण वियतनामी शरणार्थियों के एक समुदाय में रहते हुए वह गुप्त रूप से समुदाय की जासूसी करता है और अपनी मूल वफादारी और अपने नए जीवन के बीच संघर्ष करते हुए वियतनाम कांग्रेस को वापस रिपोर्ट करता है एक कास्ट करें मुख्य कैप्टन के रूप में हुआ जुआंडे साइगोन में एक पुलिस कप्तान जो गुप्त रूप से उत्तर के लिए एक कम्युनिस्ट जासूस है रॉबर्ट डाउनी जूनियर कई प्रतिपक्षी भूमिकाओं में शामिल हैं क्लाउड एक सीआईए एजेंट जो कैप्टन को सलाह देता है निको एक लेखक फिल्म निर्माता जो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला पर आधारित वियतनाम युद्ध पर एक फिल्म बना रहा है प्रोफेसर हैमर कैप्टन ओरिएंटलिस्ट ग्रेजुएट स्कूल के प्रोफेसर दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक कांग्रेसी नेड गॉडविन स्थानीय वियतनामी अमेरिकी आबादी से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल के रूप में टोन ले एक उच्च रैंकिंग वाला दक्षिणी वियतनामी जनरल है जिसके अधीन कैप्टन कार्य करता है कैप्टन के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त बॉन के रूप में फ्रेड गुएन खान दुर्गुएन आदमी के रूप में कैप्टन का दूसरा बचपन का दोस्त और उसका संचालक वीले लाना के रूप में जनरल की बेटी और कैप्टन की प्रेमिका जनरल की पत्नी मैडम के रूप में क्यू डुए मेजर के रूप में फानक सिंह मेजर की मां के रूप में क्यू चीन है समर्थन वीवाई गुएन मेजर की पत्नी के रूप में कम्युनिस्ट जासूस के रूप में कायली ट्रांग गनर दाव के रूप में स्कॉटली सन्नी के रूप में एलन प्रोंग सुश्री सोफिया मोरी के रूप में सैंड्रा हो डेविड द चोवनी जॉन चो समुद्री डेल्टर में एपिसोड्स नहीं शीर्षक दो निर्देशक तीन टेलीप्ले द्वारा चार मूल प्रसारण तिथि पांच अमेरिकी दर्शक मिलियन एक मरने की इच्छा पार्क चान वूक पार्क चांद वुक और डॉन मैककेलर चौदह अप्रैल दो हजार चौबीस टीबीडी दो गुड लिटिल एशियन पार्क चांद वूक पार्क चांद वूक और डॉन मैककेलर और नाओमी इजुका 21 अप्रैल 2024 हज़ार टीबीडी तीन इसे प्यार करो या इसे छोड़ दो पार्क चांद वूक पार्क चांद वूक और डॉन मैककेलर और मार्क रिचर्ड 28 अप्रैल 2024 हजार टीबीडी चार हमें कुछ अच्छी पंक्तियां दीजिए फर्नांडो मीरेस पार्क चांद वूक और डॉन मैककेलर पाँच मई दो हजार चौबीस टीबीडी पांच टीबीए मार्क मुंडेन पार्क चांद वोक और डॉन मैककेलर और मेगन हुआंग बारह मई दो हजार चौबीस टीबीडी छह टीबीए मार्क मुंडेन पार्क चांद वूक और डॉन मैककेलर और अंचुली फेलिशिया किंग उन्नीस मई दो हजार चौबीस टीबीडी सात टीबीए मार्क मुंडेन पार्क चांद वूक और डॉन मैककेलर छब्बीस मई दो हजार चौबीस टीबीडी उत्पादन अप्रैल 2021 में वियत्थान गुएन ने घोषणा की कि उनके उपन्यास द सिंपैथाइज़र को पार्क चांद बुक निर्देशन के साथ एक टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित करने के लिए ए चौबीस द्वारा चुना गया था रोम्बस मीडिया भी उत्पादन में शामिल है एक जुलाई में एचबीओ ने ए चौबीस से श्रृंखला का ऑर्डर दिया और रॉबर्ट डाउनी जूनियर निर्माता और सह कलाकार की भूमिका में इस परियोजना में शामिल हुए छह कैलिफोर्निया राज्य ने उत्पादन को सत्रह चार मिलियन डॉलर से अधिक का टैक्स क्रेडिट प्रदान किया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि राज्य में महत्वपूर्ण उत्पादन होगा सात श्रृंखला के कुछ एपिसोड को निर्देशित करने के लिए मार्क मुंडेन और फर्नांडो मिरेस को भी काम पर रखा गया था आठ कास्टिंग निर्देशक जेनिफर वेंडिटी ने वियतनामी मूल के मुख्य कलाकारों को खोजने के लिए दुनिया भर में कास्टिंग कॉल शुरू की अंता हुआ जुआंडे फ्रेड गुएन खान टोनले वीले और एलन ट्रोंग को काम पर रखा 9 नवंबर 2022 में सैंड्राओ क्यू चीन और गुएन काओ क्यू डुएन की आवर्ती भूमिकाओं की भी घोषणा की गई थी और डाउनी अमेरिकी प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करने वाली कई सहायक विरोधी भूमिकाएं निभा रहे थे 10 मई 2023 में स्कॉट में स्कॉटली और मरीन डेल्टर में आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए ग्यारह बारह फिल्मांकन लॉस एंजल्स और थाईलैंड में हुआ नौ डाउनी ने श्रृंखला के लिए अपना सिर मुंडवा लिया ताकि उनके द्वारा चित्रित विभिन्न पात्रों में से प्रत्येक के लिए गंजी टोपी का उपयोग करने में लगने वाला समय बचाया जा सके डाउनी के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी सुधारित किया गया था तेरा रिलीज श्रृंखला का प्रीमियर एचबीओ पर हुआ और 14 अप्रैल 2024 को मैक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हो गया चौदह स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटेन टोमाटोस पर 37 आलोचकों में से छियासी परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है सिंपैथाइजर अपने महत्वाकांक्षी स्रोत सामग्री को अनुकूलित करने अपने मूल विषयों को व्यक्त करने का एक ठोस संतोषजनक काम करता है भले ही यह कभी कभी अपनी संरचना के साथ संघर्ष करता है पंद्रह मेटाक्रिटिक पर उनतीस आलोचकों के आधार पर श्रृंखला को 100 में से 78 का भारित औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है सोलह संदर्भ पार्क के एक अन्य उल्लेखनीय सहयोगी सिनेमेटोग्राफर चुंग चुंग हुन हैं यह जोड़ी पहली बार ओल्ड बॉय के निर्माण के दौरान मिली थी तब से दोनों ने कई अन्य परियोजनाओं पर एक साथ काम किया है जिनमें सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस आई एम एस आईबोर्ग बट दैट इज ओके थर्स्ट और द इन शामिल हैं चुंग को प्रकाश व्यवस्था और कैमरा कार्य के असाधारण उपयोग के लिए जाना जाता है और उनकी दृश्य शैली पार्क की वायुमंडलीय और दृश्यमान आश्चर्यजनक फिल्मों के लिए एक मजबूत मिल रही है तिरपन उन्होंने अक्सर पटकथा लेखक जियोंग सेओ किओन के साथ कई परियोजनाओं पर सहयोग किया है जैसे कि सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस आई एम अग बट दैट इज ओके थर्स्ट द इन और डिसीजन टू ली। उनचास चौवन पचपन छप्पन पार्क में शीर्ष स्तरीय अभिनय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की प्रतिभा है कोरिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध सितारे जैसे चोई मिनसिक और सोन कांग हो उनके कास्टिंग चयन का अभिन्न अंग रहे हैं सॉन्ग कॉम हो विशेष रूप से पार्क की छह फीचर लेंथ फिल्मों में दिखाई दिया है पार्क हे इल और शिन्हा क्युन ने भी पार्क के साथ क्रमशः तीन और चार कई मौकों पर काम किया है उनके सहयोग को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से अत्यधिक सराहा गया है पार्क का पालन पोषण कोरिया के एक कट्टर कैथोलिक परिवार में हुआ और वह खुद को नास्तिक बताते हैं सत्तावन अट्ठावन पार्क का पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जिसने संस्कृति और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया उनके पिता पार्क डॉन सेओ वास्तुकला के प्रोफेसर और अजौ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व डीन के रूप में कार्यरत थे जबकि उनके दादा पार्क सेओग सेओ कोरियाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर थे इसके अतिरिक्त पार्क के छोटे भाई पार्क चान क्योंग चित्रकार और कला समीक्षक के रूप में सक्रिय हैं चौदह पार्क को उनकी भाभी पत्नी किम यून ही से एक पारस्परिक मित्र ने तब मिलवाया था जब वह इवा वुमन्स यूनिवर्सिटी में छात्रा थीं चौदह 15वें माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पार्क ने अपने पूरे करियर में समर्थन के लिए अपनी पत्नी किम यून ही को श्रद्धांजलि दी सत्तावन पार्क की बेटी पार्क सीओवो ने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया और द हैंडमेडेन के लिए कला टीम के सदस्य के रूप में काम किया उन्होंने डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लिए समर्थन जताया और इसके उत्तराधिकारी न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य भी थे उन्होंने 2017 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार संग जंग का समर्थन किया साठ फिल्मोग्राफी आयरन मैन के दो नियोजित सीक्वल में से पहले आयरन मैन दो में डाउनी ने टोनी स्टार्क के रूप में वापसी की जो मई 2010 में रिलीज हुई आयरन मैन दो ने दुनिया भर में 623 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की जो 2010 की सातवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक एक चार दो शून्य एक शून्य में डाउनी की दूसरी व्यावसायिक फिल्म कॉमेडी रोड फिल्म ड्यू डेट थी जैक गैलिफिया नाकिस की सह अभिनीत फिल्म नवंबर 2010 में रिलीज हुई थी 115 और दुनिया भर में 211 सौ एम से अधिक की कमाई की जिससे यह 2010 की 36वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गए एक सौ सोलह डाउनी की एकमात्र 2011 फिल्म का श्रेय शर्लक होम्स ए गेम ऑफ था शैडोज जो 16 दिसंबर 2011 को दुनिया भर में शुरू हुआ एक सौ सत्रह दो हजार बारह में डाउनी ने द एवेंजर्स में टोनी स्टार्क की भूमिका दोहराई फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली एक सौ अठारह और यह बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक सफल रही संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक सौ उन्नीस उनकी फिल्म डेविड डोबकिन निर्देशित ड्रामा द जज 120 उनकी प्रोडक्शन कंपनी टीम डाउनी द्वारा सह निर्मित एक प्रोजेक्ट 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआती फिल्म थी 121 डाउनी ने टोनी स्टार्क की भूमिका निभाई थी फिर से आयरन मैन तीन दो हजार एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 स्पाइडर मैन होमकमिंग 2017 123 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम दो हज़ार उन्नीस एक सौ तेईस द एवेंजर्स एंड एवेंजर्स एंडगेम के उनके तीन दृश्यों को डिज्नी प्लस श्रृंखला लुकी के पहले एपिसोड में संग्रह फुटेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था 124 डाउनी ने 2019 में रिलीज हुई एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला द एज ऑफ एआई की मेजबानी की 125 2020 वर्तमान पोस्ट मार्वल 2020 में डाउनी ने डोलिटल में मुख्य किरदार निभाया जिसे फिल्म में 19वीं सदी के वेश पशु चिकित्सक के रूप में दर्शाया गया है जो जानवरों के साथ संवाद कर सकता है यह टीम डाउनी की दूसरी फिल्म थी यह बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसे बहुत लंबा और बेजान कहा 126 2023 में डाउनी ने क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर में विरोधी नौकरशाह लुइस स्ट्रॉस की भूमिका निभाई फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने वेतन में कटौती की और अपने सामान्य 10 डॉलर 20 मिलियन अग्रिम वेतन के बदले 4 मिलियन डॉलर कमाए एक डाउनी ने बाद में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में वर्णित किया जिसमें वह आज तक दिखाई दिए हैं 128 बायोपिक और डाउनी के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली एक सौ उनतीस एक सौ तीस एक सौ इकतीस इस भूमिका के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड बाफ्टा अवार्ड स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड द और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता एक सौ बत्तीस डाउनी अगली बार उपन्यासकार वियत्थान गुएन के उपन्यास द सिंपैथाइजर के टेलीविजन रूपांतरण में सह कलाकार होंगे एक सौ अन्य उद्यम 14 जून 2010 को डाउनी और उनकी पत्नी सुजैन ने टीम डाउनी नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली उनका पहला प्रोजेक्ट द जज था एक तीन दो शून्य दो चार में डाउनी ने क्रेग डुबिट्सकी के साथ हैप्पी नाम से एक कॉफी कंपनी लॉन्च की एक सौ व्यक्तिगत जीवन रिश्ते एवं परिवार डाउनी ने उन्नीस में फर्स्ट बॉर्न के सेट पर अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर से मुलाकात के बाद उनके साथ डेटिंग शुरू की वे दोनों 18 वर्ष के थे और 8 सप्ताह की डेटिंग के बाद एक साथ रहने लगे छब्बीस उनकी नशीली दवाओं की लत के कारण 8 साल बाद उन्नीस में दोनों अलग हो गए एक डाउनी ने 42 दिनों की प्रेमालाप के बाद 29 मई उन्नीस को अभिनेत्री और गायिका डेबोरा फाल्कनर से शादी की एक उनके बेटे का जन्म सितंबर उन्नीस में हुआ था 140 डाउनी की बार बार पुनर्वसन और जेल की यात्रा के कारण उनकी शादी पर तनाव अंतर टूटने के बिंदु पर पहुंच गया 2001 में डाउनी की आखिरी गिरफ्तारी और पुनर्वसन में लंबे समय तक रहने की सजा के बीच फाल्कनर ने डाउनी को छोड़ दिया और अपने बेटे को अपने साथ ले गए एक डाउनी और फाल्कनर ने 26 अप्रैल 2004 को अपने तलाक को अंतिम रूप दे दिया 2010 अकादमी पुरस्कारों में डाउनी अपनी पत्नी सुजैन डाउनी के साथ 2003 में गोथिका के सेट पर डाउनी की मुलाकात निर्माता सुसान डाउनी नी लेविन से हुई जो जोएल सिल्वर की फ़िल्म कंपनी सिल्वर पिक्चर्स में प्रोडक्शन की कार्यकारी उपाध्यक्ष थीं। तीन हालांकि सुजैन ने दो बार उसकी रोमांटिक पेशकशों को ठुकरा दिया लेकिन उसने और डाउनी ने निर्माण के दौरान चुपचाप रोमांस शुरू कर दिया एक सौ इकतालीस सुजैन की इस चिंता के बावजूद कि वह एक अभिनेता है मेरे पास एक वास्तविक नौकरी है शूटिंग पूरी होने के बाद भी रोमांस नहीं टिकेगा। एक सौ इकतालीस गोथिका पर प्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी युगलकार इश्ता जारी रहा और डाउनी ने सुजैन को प्रस्ताव दिया उसके तीसवें जन्मदिन से एक रात पहले 141 अगस्त 2005 में इस जोड़े की शादी एक यहूदी समारोह में अमागानसेट न्यूयॉर्क में हुई एक सौ उनके एक बाइसेप्स पर बने टैटू में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुजी क्यूँ लिखा हुआ है एक सौ डाउनीज का पहला बच्चा एक बेटा फरवरी 2012 में पैदा हुआ था एक और उनकी दूसरी एक बेटी नवंबर 2014 में पैदा हुई थी एक सौ छियालीस एक सौ एक सौ अड़तालीस एयर अमेरिका में अभिनय करने के बाद से डाउनी मेल गिब्सन के करीबी दोस्त रहे हैं डाउनी ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट से जुड़े विवाद के दौरान गिब्सन का बचाव किया और गिब्सन के 2006 हजार के संदर्भ में कहा कि कोई भी पूर्ण नहीं है एक गिब्सन ने डाउनी के बारे में कहा वह फोन करने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले पहले लोगों में से एक थे उन्होंने बस इतना कहा अरे क्लब में आपका स्वागत है आइए देखें कि हम खुद पर काम करने के लिए क्या कर सकते हैं 150 अक्टूबर 2011 में डाउनी को 25वें अमेरिकन सिनेमा थे अवार्ड्स में सम्मानित किया जा रहा था डाउनी ने गिब्सन को उनके जीवन के काम के लिए पुरस्कार देने के लिए चुना और अपने प्रसारण समय का उपयोग करते हुए गिब्सन के बारे में कुछ दयालु शब्द कहे और बताया कि उन्होंने उन्हें पुरस्कार देने के लिए क्यों चुना एक सौ इक्यावन संयम डाउनी का कहना है कि वह जुलाई 2003 से नशा मुक्त हैं एक सौ बावन और उन्होंने अपने परिवार चिकित्सा ध्यान बारह चरणीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम योग और विंग के अभ्यास के साथ साथ उनकी नशीली दवाओं और शराब की आदतों को दूर करने में मदद करने का श्रेय अपनी पत्नी को दिया चुनकुंग फू पैंतीस मार्शल आर्ट उन्होंने एरिक ओरम से सीखा जो डाउनी की कई फिल्मों में लड़ाई सलाहकार भी हैं एक सौ तिरपन एक सौ चौवन ओरम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में डाउनी के व्यक्तिगत लड़ाई समन्वयक थे 155 दिसंबर 2015 में डाउनी को कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन द्वारा उनके पूर्व नशीली दवाओं के अपराधों के लिए माफ किए जाने वाले इक्यानवे लोगों में से एक के रूप में चुना गया था क्षमादान डाउनी के आपराधिक रिकॉर्ड को नहीं मिटाता है लेकिन यह उसे जूरी में सेवा करने की अनुमति देता है एक सौ छप्पन एक सौ सत्तावन ओरम ने गवर्नर ब्राउन को डाउनी की क्षमा के समर्थन में एक पत्र लिखा एक सौ अट्ठावन जब द ओपरा विन्फ्रेशो में पूछा गया कि वह इस बार अपना संयम कैसे बरकरार रख पाए तो डाउनी ने कहा इन प्रतीत होने वाली भयानक समस्याओं से पार पाना वास्तव में उतन अमुश्किल नहीं है सबसे कठिन है इसे करने का निर्णय लेना एक विलियम चेउंग और एरिक ओरम के साथ डाउनी जूनियर 2005 धार्मिक विश्वास डाउनी ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को यहूदी बौद्ध के रूप में वर्णित किया है 160 और बताया जाता है कि उन्होंने ज्योतिषियों से परामर्श लिया था 161 अतीत में दाउनी की ईसाई धर्म और हरे कृष्ण आंदोलन में रुचि रही है 160 राजनीतिक दृष्टिकोण 2008 के एक साक्षात्कार में दाउनी ने कहा कि जेल में बिताए गए समय ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को कुछ हद तक बदल दिया उन्होंने कहा मेरे पास वास्तव में एक दिलचस्प राजनीतिक दृष्टिकोण है और यह हमेशा कुछ ऐसा नहीं होता है जिसे मैं यहाँ खाने की मेज पर बहुत जोर से कहता हूँ लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं आप ला मिराज में 2000 डॉलर प्रति रात्रि के कमरे से किसी सुधार गृह में नहीं जा सकते और वास्तव में इसे समझकर एक उदारवादी बनकर बाहर नहीं आ सकते मेरे लिए बहुत शिक्षाप्रद है और तब से इसने मेरी प्रवृत्तियों और आजनीति के बारे में जानकारी दी है 162, IPA, UK, 1963, एक सौ बासठ पार्क चांद वूक कोरियाई आईपीए पी ए के टी ए एन यू के जन्म तेईस अगस्त उन्नीस सौ तिरसठ एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक निर्माता और पूर्व फिल्म समीक्षक हैं उन्हें दक्षिण कोरियाई सिनेमा के साथ साथ 21वीं सदी के विश्व सिनेमा के सबसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है दो उनकी फिल्में जो अक्सर अपराध रहस्य और रोमांच को अन्य शैलियों के साथ मिश्रित करती हैं और अपनी सिनेमेटोग्राफी, फ्रेमिंग ब्लैक ह्यूमर और अक्सर क्रूर विषय के लिए बदनामी हासिल करती हैं तीन चार उन्नीस के दशक में दो असफल फिल्मों के बाद जिन्हें उन्होंने काफ़ी हद तक अस्वीकार कर दिया था पार्क अपने प्रशंसित तीसरे निर्देश किए प्रयास ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया 2000 के साथ प्रमुखता में आए जो उस समय दक्षिण कोरियाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और जिसे पार्क ने स्वयं को उनके निर्देशन की पहली फिल्म माना जाना पसंद है पांच छह अपनी नई मिली रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी अनौपचारिक वेंजेंस ट्रिलॉजी सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 2002 बनाने वाली फिल्मों का निर्देशन किया जो एक वित्तीय विफलता थी जिसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया इसके बाद ओल्ड बॉय 2003 और लेडी वेंजेंस 2005 दोनों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और वे आर्थिक रूप से सफल रहीं विशेष रूप से ओल्ड बॉय को अब तक बनी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है और इसने पार्क को अपने मूल देश के बाहर एक प्रसिद्ध निर्देशक के रूप में स्थापित करने में मदद की सात आठ सितंबर 2010 हज़ार दस ग्यारह द वेंजेंस ट्रिलॉजी के बाद पार्क के अधिकांश काम दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रहे जैसे होरर फिल्म थर्स्टर 2009 मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द हैंड मेडेन 2016 है, जिसने पार्क को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्ता पुरस्कार दिलाया अंग्रेज़ी भाषा में और कांस फिल्म फेस्टिवल के तकनीकी कला के लिए वलकैन पुरस्कार और रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म डिसीजन टू लीव 2022 जिसने 2022 हज़ार कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता बारह इसके विपरीत आई ए आईबोर ग बट दैट्स ओके 2006 एक वित्तीय निराशा थी जबकि उनकी एकमात्र अंग्रेज़ी भाषा की फिल्म स्टोकर 2013 को सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसे कोरियाई में उनके काम से कमतर देखा गया अंग्रेजी भाषा की लघु श्रृंखला द लिटिल ड्रमर गर्ल 2018 जिसके सभी एपिसोड का उन्होंने निर्देशन किया था को आलोचकों द्वारा सराहना मिली 2024 में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा मिनिस्ट्रीज द सिंपैथाइजर के एपिसोड का सह निर्माण और निर्देशन किया प्रारंभिक जीवन पार्क चान वूक का जन्म 23 अगस्त उन्नीस को सियोल में हुआ था तेरा उनके माता पिता दोनों सियोल के मूल निवासी थे जो पांच पीढ़ियों से सियोल में रह रहे हैं उनके पिता पार्क डॉन सियो वास्तुकला के प्रोफेसर और अजौ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व डीन थे इस बीच उनके दादा पार्क से सियो कोरियाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे चौदह उनके भाई पार्क चान क्योंग भी एक फिल्म निर्माता हैं पंद्रह पार्क ने सोगान विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जहां विभाग के विश्लेषणात्मक अभिविन्यास और परिणामस्वरूप सौंदर्य शास्त्र में कम पेशकश से निराश होकर उन्होंने एक सिनेमा क्लब सोगांग फिल्म समुदाय शुरू किया और समकालीन सिनेमा पर कई लेख प्रकाशित किए मूल रूप से एक कला समीक्षक बनने का इरादा रखने वाले पार्क ने वर्टिगो को देखने के बाद एक फिल्म निर्माता बनने का संकल्प लिया सोलह स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने पत्रिकाओं के लिए फिल्म पर लेख लिखे और जल्द ही यू योंग जिन द्वारा निर्दे शिद के कमडोंग और क्वाक जे योंग माई सैसी गर्ल द्वारा निर्देशित वॉटर कलर पेंटिंग इन ए रेनी डे जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक बन गए सत्रह कैरियर पार्क की पहली फीचर फिल्म द मून इज द सनस ड्रीम उन्नीस थी पांच साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म ट्रायो बनाई पार्क की शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और उन्होंने जीविका चलाने के लिए फिल्म समीक्षक के रूप में अपना करियर बनाया एक आठ दो शून्य एक साथ में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी निर्देशित पहली फिल्म जैसे है लेकिन मैं इसे उसी तरह रखना चाहता हूं उन्नीस 2000 में पार्क ने ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया का निर्देशन किया जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से एक बड़ी सफलता थी यहां तक कि दक्षिण कोरिया में अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म के रूप में काम जेग्यू की श्री को भी पीछे छोड़ दिया 20 इस सफलता ने पार्क के लिए अपनी अगली फ़िल्म को और अधिक स्वतंत्र रूप से बनाना संभव बना दिया श्री प्रतिशोध के प्रति सहानुभूति इसी रचनात्मक स्वतंत्रता का परिणाम है पार्क की अनौपचारिक शीर्षक वाली वेंजेंस त्रयी में मिस्टर वेंजेंस 2002 ओल्ड बॉय 2003 और लेडी वेंजेंस 2005 के लिए सहानुभूति शामिल है इसका मूलतः त्रयी बनने का इरादा नहीं था पार्क ने 2004 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ओल्ड बॉय के लिए ग्रांड प्रिक्स जीता फिल्म प्रतिशोध की पूर्ण निरर्थकता और इसमें शामिल लोगों के जीवन पर कैसे कहर बरपाती हैं इसकी चिंता करती हैं 21 लेडी वेंजेंस को अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नाटकीय रिलीज के लिए टार्टन फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था 22 अमेरिकी निर्देशक क्वेंटिन टार्नेटिनो पार्क के घोषित प्रशंसक हैं 2004 के कांस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्क के ओल्ड बॉय को पालमे डिओर से सम्मानित करने के लिए दबाव डाला यह सम्मान अंत माइकल मूर के फारेनहाइट नौ बटा ग्यारह को मिला तेईस ओल्ड बॉय ने ग्रांड प्रिक्स जीता जो कांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान था टिनो पार्क के संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र को उन्नीस सौ बानवे के बाद से बनी शीर्ष बीस फिल्मों में से एक मानते हैं चौबीस 2004 से पार्क फिल्म निर्माण कंपनी मोहो फिल्म का मालिक रहा है जिसने स्नोपियर्सर दो और द हैंडमेडेन दो हजार के निर्माण में भाग लिया था 25 2006 में पार्क तिरसठवें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक सेक्शन जूरी के सदस्य थे फरवरी 2007 में पार्क ने सत्तावनवें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अल्फ्रेड बाउर पुरस्कार जीता यह पुरस्कार महोत्सव के संस्थापक के नाम पर और नए दृष्टिकोण पेश करने वाले कार्यों की प्रशंसा के लिए पार्क को उनकी फ़िल्म आईएमएसआईबोर्ग बट दैट ओके के लिए दिया गया छब्बीस फेस्टिवल इंटरनेशनल डी सिनेमा डी कैटालिया 2009 में पार्क 2009 में पार्क ने सॉन कांग हो अभिनीत वैम्पायर फिल्म थर्स्ट का निर्देशन किया जिसने 2009 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रिक्स डुजुरी एंड्रिया अर्नोल्ड द्वारा निर्देशित फिश टैंक के साथ जीता उन्होंने टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई का निर्देशन करने पर विचार किया लेकिन अंततः इसे ठुकरा दिया सत्ताईस दो में पार्क ने कहा कि उनकी नई फंतासी होरर फिल्म परनमंजन नाइट फिशिंग पूरी तरह से आईफोन पर शूट की गई थी 28 फिल्म का सह निर्देशन पार्क के छोटे भाई पार्क चांद क्यों के साथ किया गया था जिनके पास निर्देशन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था इसे 2011 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान बर्लिनिल शॉर्ट्स के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोल्डन बियर जीता था 2013 में पार्क ने अपनी पहली अंग्रेज़ी भाषा की फिल्म स्टोकर का निर्देशन किया उनतीस उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाना सीखा और 480 घंटों में फ़िल्मांकन पूरा किया सत्ताईस हालांकि पार्क अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन उन्होंने सेट पर एक दुभाषिया का इस्तेमाल किया सत्ताईस यह पूछे जाने पर कि स्क्रिप्ट ने उनका ध्यान क्यों आकर्षित किया पार्क ने कहा यह ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जिसमें सब कुछ समझाने की कोशिश की गई हो और कई चीज़ों को सवालों के रूप में छोड़ दिया गया हो इसलिए यह दर्शकों को खुद के ये उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करती है और यही बात मुझे पसंद आई स्क्रिप्ट मुझे छोटी कृत्रिम रूप से बनाई गई दुनियाओं के माध्यम से बड़ी कहानियां कहना पसंद है तीस सत्ताईस दो मार्च दो हजार तेरह को पार्क स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट में आयोजित फिल्म स्टोकर के बारे में एक पैनल चर्चा में दिखाई दी इक्कीस 2014 में पार्क ने लग्जरी ब्रांड जेगना द्वारा कमीशन की गई एक लघु फिल्म का निर्देशन किया जो स्वयं अयाको फुजितानी चुंग चुंगहोन और माइकल वेरवी द्वारा सह लिखित थी क्लिंट मैनसेल द्वारा बनाई गई थी और जैक हस्टन और डैनियल वो ने अभिनय किया था इसे रोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया बत्तीस पार्क 2016 हज़ार लुमियर फिल्म फेस्टिवल में द हैंडमेड इन प्रस्तुत कर रहा है सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि पार्क सारा वाटर्स के ऐतिहासिक अपराध उपन्यास फिंगर समित का रूपांतरण करेगा 33 फिल्म का निर्माण 2015 के मध्य में शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2015 को समाप्त हुआ चौंतीस वह फिल्म द इन बन गई और 2016 के कांस फिल्म फेस्टिवल में समीक्षा प्राप्त करने की प्रतियोगिता में प्रीमियर हुई जहां कलात्मक निर्देशक सेयही रयू ने जीत हासिल की तकनीकी कला के लिए वल्केन पुरस्कार और फिल्म को पाल्मेडीर और क्वीर पाम दोनों के लिए नामांकित किया गया था 2016 के बिल्ड फिल्म अवा स में द इन ने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री तायरी किम द बिल्ड रीडर्स जूरी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन सियोंग हीरियू का पुरस्कार जीता 35 फिल्म को रॉटेन टोमाटोज पर पंचानवे परसेंट रेटिंग प्राप्त है और इसने दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में बॉक्स ऑफिस पर सफलता देखी छत्तीस बारह अक्टूबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि पार्क ने विज्ञान फाइ बॉडी स्वैप फिल्म सेकेंड बॉर्न का निर्देशन करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं सैंतीस जनवरी 2018 में यह कहा गया था कि पार्क जॉन ले कैरे के उपन्यास द लिटिल ड्रमर गर्ल के एक टीवी लघु श्रृंखला रूपांतरण का निर्देशन करेंगे यह उसी वर्ष अक्टूबर में बीबीसी वन पर प्रसारित हुआ और इसमें माइकल शैनन फ्लोरेंस पुग और अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने अभिनय किया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्क ने कहा कि वह फीचर फ़िल्मों थिएटर और टीवी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें वेंजेंस ट्रिलॉजी में एक नई किस्त और डोनाल्ड ई वेस्टलेक के उपन्यास दी एक्स का दूसरा रूपांतरण शामिल है उनतालीस मई 2020 में यह घोषणा की गई थी कि वह अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे जिसका अस्थाई शीर्षक हेओजिल ग्योलसिन द डिसीजन टू ब्रेक अप था इसे एक मेलोड्रामा के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें तान वेई और पार्क हे इल अभिनय करेंगे चालीस उन्नीस सौ इकतालीस अक्टूबर 2020 में फिल्म का शीर्षक डिसीजन टू लीव के रूप में सामने आया जिसमें कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री रोमांस बताया गया फिल्म की शूटिंग उस महीने के अंत में शुरू होने वाली थी बयालीस उन्नीस अप्रैल 2021 में ए चौबीस ने वियत थान गुएन के 2015 के उपन्यास द सिंपैथाइजर को टीवी रूपांतरण के लिए चुना जिसका निर्देशन पार्क चांद बुक ने किया था चवालीस पैंतालीस डिसीजन टू लीव पर उनके काम के लिए उन्हें 2022 हजार बाईस कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया छियालीस सैतालीस फिल्म निर्माण पार्क चान वूक की फिल्मों ने अपनी सिनेमेटोग्राफी और फ्रेमिंग काले हास्य और अक्सर क्रूर विषय वस्तु के लिए कुख्याति प्राप्त की है तीन चार मई 2004 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में पार्क ने सोफोकल्स शेक्सपियर काफ्का दोस्तोवस्की बाल्जाक और कर्ट वोनगुट को अपने करियर पर प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया सोलह पार्क का फिल्म उद्योग में विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ सफल सहयोग का इतिहास रहा है इन सहयोगों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी संपादक किम सान बम के साथ है 48 उनका संबंध तब से है जब पार्क जो उस समय एक कॉलेज छात्र था प्रधान संपादक किम सान बम के नेतृत्व वाले निर्देशन विभाग में शामिल हुआ था यह ध्यान देने योग्य है कि संपादक किम सान बम के दिवंगत पिता संपादक किम ही सू पार्क चांद वूक की पहली फिल्म द मून इज द सन्स ड्रीम में संपादक के रूप में शामिल थे फिल्म ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया उन्नीस के बाद से संपादक किम सान बम ने द हैंडमेडन तक स्टोकर 2013 को छोड़कर पार्क चांद वूक के सभी कार्यों का संपादन किया है उनचास पार्क की नवीनतम फिल्म डिसीजन टू लीव में अपने संपादन कार्य के लिए किम सान बम ने वलाडोलिड अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए जो साल्सेडो पुरस्कार जीता पचास पार्क ने संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र उन्नीस के बाद से संगीत निर्देशक जो येम वुक के साथ भी सहयोग किया है तब से दोनों ने कई अन्य परियोजनाओं पर एक साथ काम किया है जिनमें ओल्ड बॉय सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव शामिल हैं इक्यावन बावन पार्क ने कला निर्देशक रयू ही के साथ भी मिलकर काम किया है जो मेमोरीज ऑफ मर्डर का फिल्मांकन कर रहे थे जब पार्क ने उनसे ओल्ड बॉय पर काम करने के लिए कहा तब से उन्होंने पार्क के साथ आई एम ए आईबोर्ग बट दैट इज ओके थर्स्ट द इन और डिसीजन टू लीव में काम किया है फोर डॉन मक्के लर्सीएम बोर्न सेवेंटींथ ऑगस्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री इज अ केनेडियन एक्टर राइटर प्ले राइट एंड फिल्म मेकर ही वॉज पार्ट ऑफ अ लूजली अफिलिएटेड ग्रुप ऑफ फिल्म मेकर्स टू इमर्ज फ्रॉम टोरोटो नोन एज द टोरोटो न्यू वे एस्क्वायर के मार्च 2007 अंक के लिए एक लेख में डाउनी ने कहा कि वह बाइपोलर एसोसिएशन से एक फ़ोन कॉल प्राप्त करने के बाद द्विध्रुवी के बारे में इस पूरी बात को संबोधित करना चाहते थे जिसमें उनसे द्विध्रुवी होने के बारे में पूछा गया था जब डाउनी ने इस बात से इनकार किया कि उसने कभी कहा था कि वह द्विध्रुवी है तो कॉल करने वाले ने पीपल लेख का हवाला दिया जिस पर डाउनी ने जवाब दिया नहीं डॉक्टर मालिबुसियन ने कहा था मैंने कहा था कि मैं द्विध्रुवी था और वे कहते हैं ठीक है यह लिखा जा चुका है इसलिए हम इसे उद्धृत करने जा रहे हैं चौहत्तर डाउनी ने स्पष्ट रूप से उदास या उन्मत्त होने से इनकार किया और कहा कि किसी भी प्रकार के मनोरोग या मनोच्छा संबंधी विकार का निदान करने के पिछले प्रयास हमेशा गलत रहे हैं क्योंकि जिस आदमी को मैं देख रहा था उसे नहीं पता था कि मैं उसके बाथरूम में धूम्रपान कर रहा था आप तब तक निदान नहीं कर सकते जब तक कोई शांत न हो जाए चौहत्तर दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य सात पुनरुत्थान पांच साल तक मादक द्रव्यों के सेवन गिरफ्तारी पुनर्वास और पुनरावृत्ति के बाद डाउनी ड्रग्स से पूरी तरह उबरने और अपने करियर में लौटने की दिशा में काम करने के लिए तैयार थे अतीत में अपने नशे की लत के व्यवहार को नियंत्रित करने के अपने असफल प्रयासों पर चर्चा करते हुए डाउनी ने नवंबर 2004 में ओपरा विन्फ्रे से कहा था कि जब कोई कहता है मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि क्या मुझे पुनर्वसन के लिए जाना चाहिए मुख्यधारा की फिल्मों जैसे कि किस किस बैंड बैंड और डिज्नी की खराब प्रतिक्रिया वाली द शैगी डॉग में उनकी भूमिकाओं के लिए भी काफी नोटिस मिला इक्यासी तेईस नवंबर 2004 को डाउनी ने अपना पहला संगीत एल्बम द फ्यूचरिस्ट सोनी क्लासिकल पर रिलीज किया जिसके लिए उन्होंने कवर आर्ट डिजाइन किया और अपने बेटे इंडियो के साथ सीडी पर ट्रैक लिस्टिंग लेबल डिजाइन किया बयासी एल्बम को मिश्रित समीक्षाएं मिली, तिरासी चौरासी लेकिन डाउनी ने 2006 में कहा कि वह शायद दूसरा एल्बम नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्हें लगा कि एल्बम बनाने में उन्होंने जो ऊर्जा लगाई थी उसकी भरपाई नहीं हो पाई आठ दो शून्य शून्य में डाउनी टेलीविजन पर लौट आए जब उन्होंने द फैट गाई स्ट्रैंगलर एपिसोड में फै मिली गाय पर आवाज अभिनय किया डाउनी ने पहले शो के प्रोडक्शन स्टाफ को फोन किया था और पूछा था कि क्या वह एक एपिसोड निर्माण में सहायता या निर्माण कर सकते हैं क्योंकि उनका बेटा इंडियो शो का प्रशंसक है शो के निर्माताओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और डाउनी के लिए लोइस ग्रिफिन के लंबे समय से खोए हुए मानसिक रूप से परेशान भाई पैट्रिक प्यूटर्स चिमिड़ का चरित्र तैयार किया छियासी डाउनी ने एक संस्मरण लिखने के लिए प्रकाशक पर कॉलिन्स के साथ हस्ताक्षर किए जिसे 2006 में पहले से ही उनके जीवन और करियर के उतार चढ़ाव पर एक स्पष्ट नज़र के रूप में पेश किया जा रहा था हालांकि 2008 में डाउनी ने प्रकाशकों को अपनी अग्रिम राशि लौटा दी और बिना किसी टिप्पणी के पुस्तक को रद्द कर दिया आठ सात दो शून्य शून्य सात में डाउनी डेविड फिंचर की रहस्य थ्रिलर राशि चक्र में दिखाई दिए जो एक सच्ची कहानी पर आधारित थी उन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पत्रकार पॉल एवरी की भूमिका निभाई जो जोडिया किलर्म आमले की रिपोर्टिंग कर रहे थे अट्ठासी 2008 दो शून्य एक नौ आयरन मैन और आगे की सफलता रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर जन्म 4 अप्रैल उन्नीस एक एक अमेरिकी अभिनेता हैं एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 14 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है जिससे वह अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं डाउनी के करियर की विशेषता कुछ प्रारंभिक सफलता नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं और कानून के साथ टकराव की अवधि और 2000 के दशक में लोकप्रिय और व्यावसायिक सफलता में वृद्धि है दो दो में डाउनी को टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया था 2013 से 2015 तक उन्हें फोर्ब्स द्वारा हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था पांच साल की उम्र में डाउनी ने 1970 में अपने पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर की फिल्म पाउंड से अभिनय की शुरुआत की बाद में उन्होंने किशोर फिल्मों वियर्ड साइंस उन्नीस और लेस दैन जीरो उन्नीस में ब्रैक पैक के साथ काम किया 1992 की बायोपिक चैपलिन में डाउनी के चार्ली चैपलिन के किरदार को बाफता पुरस्कार मिला नशीली दवाओं के आरोप में कोरकोरन मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार सुविधा में एक कार्यकाल के बाद वह 2000 में टीवी श्रृंखला एली मैकबील में शामिल हुए और इस भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता डाउनी को अत्... इरिक्त नशीली दवाओं के आरोपों के चलते 2001 में शो से निकाल दिया गया था वह अदालत द्वारा आदेशित दवा उपचार कार्यक्रम में रहे और 2003 से उन्होंने संयम बनाए रखा है मेल गिप्सन द्वारा अपने बीमा बांड का भुगतान करने के बाद डाउनी ने 2003 की फ़िल्म द सिंगिंग डिटेक्टिव से अभिनय में वापसी की क्योंकि बांड पूरा करने वाली कंपनियां उनका बीमा नहीं करेंगी तीन उन्होंने ब्लैक कॉमेडी किस किस बैंड बैंड 2005 थ्रिलर राशि 2007 और एक्शन कॉमेडी ट्रॉपिक थंडर 2008 में अभिनय किया डाउनी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भीतर 10 फिल्मों में आयरन मैन के रूप में अभिनय के लिए वैश्विक पहचान हासिल की जिसकी शुरुआत आयरन मैन 2008 से हुई और एवेंजर्स एंड गेम तक हुई उन्होंने ने गाये रिची के शर्लक होम्स 2009 में शर्लक होम्स की भूमिका भी निभाई है जिससे उन्हें अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब और इसके सीक्वल शर्लक होम्स ए गेम ऑफ शेडोज 2011 मिला डाउनी ने द जज दो और ओपेनहाइमर 2023 में नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई हैं और बाद में लुईस स्ट्रॉस के अपने चित्रण के लिए अकादमी पुरस्कार गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार जीता है प्रारंभिक जीवन रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था वह दो बच्चों में छोटे थे चार उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म निर्माता थे जबकि उनकी मां एलसी एन नीफोर्ड एक अभिनेत्री थीं जो डाउनी सीनियर की फिल्मों में दिखाई दीं पांच डाउनी के पिता आधे लिथुआनियाई यहूदी एक चौथाई हंगेरियन यहूदी और एक चौथाई आयरिश वंश के थे जबकि डाउनी की, की मां स्कॉटिश जर्मन और स्विस वंश की थीं। छह सात आठ डाउनी अक्सर अपने पिता की फिल्म परियोजनाओं के कारण बुडस्टॉक न्यूयॉर्क लंदन न्यू मैक्सिको कैलिफोर्निया कनेक्टिकट और ग्रीनविच विलेज जैसी जगहों पर रहते थे नौ फिल्मों की सफलता के आधार पर परिवार ने लगभग गरीबी और अमीरी दोनों दौरों का अनुभव किया दस एक बच्चे के रूप में डाउनी ड्रग्स से घिरे हुए थे उनके पिता नशे के आदि थे और उनकी मां शराबी थीं। बारह उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में नशीली दवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी थी उन्होंने कहा कि उन्होंने डाउनी को छह साल की उम्र में पहली बार मारिजुआना दिया था और डाउनी ने भी बचपन में थोड़ा कोक पिया होगा तेरा उनके पिता ने बाद में कहा कि उन्हें इसका अफसोस है डाउनी ने कहा कि जब वह साल के थे, तब उन्होंने और उनके पिता ने पहली बार एक साथ ड्रग्स लिया था और नशीली दवाओं का उपयोग उनके और उन के पिता के बीच एक भावनात्मक बंधन बन गया जब मेरे पिता और मैं एक साथ ड्रग्स लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे वह मेरे प्रति अपने प्यार को उसी तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है जैसा वह जानता था चौदह पंद्रह सोलह बचपन के दौरान दाउनी को अपने पिता की फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत पांच साल की उम्र में बेतुकी कॉमेडी फिल्म पाउंड 1970 में एक बीमार पिल्ला की भूमिका निभाकर की और फिर सात साल की उम्र में अति यथार्थवादी पश्चिमी फिल्म ग्रीसर पैलेस उन्नीस में दिखाई दिए साथ जब वह 11 और 12 वर्ष के थे तब वे न्यूयॉर्क के एक ग्रीष्मकालीन अभिनय शिविर स्टेजडोर मैनर में गए दस डाउनी के माता पिता का 1977 में तलाक हो गया जब वह 12 वर्ष के थे वह अपनी मां के साथ न्यूयॉर्क में पा जवी मंजिल पर रहने लगा क्योंकि तलाक के बाद उसे उसकी ज़रूरत थी जबकि उसकी बहन कैलिफ़ोर्निया में अपने पिता के साथ रहने चली गई चौदह कुछ वर्षों के बाद डाउनी अपने पिता के साथ रहने चले गए और सांता मोनिका हाई स्कूल में दाखिला लेने लगे लेकिन उन्नीस में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी सत्रह सत्रह साल की उम्र में वह पूर्णकालिक अभिनय करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क वापस चले गए अठारह ऑडिशन के लिए जाते समय डाउनी ने खुद का समर्थन करने के लिए कई अलग अलग काम किए जिसमें सेंट्रल फॉल्स रेस्तरा में टेबल साफ करना जूते की दुकान में काम करना और नाइट क्लब एरिया में जीवित कला के रूप में प्रदर्शन करना शामिल था 19 19-20-21 इस बीच डाउनी को स्थानीय थिएटर और ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में कुछ भूमिकाएं मिलीं उन्हें अपनी पहली फिल्म भूमिका उन्नीस की फिल्म बेबी इट्स यू में मिली हालांकि उनके दृश्य काट दिए गए बाईस तेईस आजीविका एक नौ आठ तीन एक नौ नौ पांच प्रारंभिक कार्य और आलोचनात्मक प्रशंसा उन्नीस सौ नब्बे में एयर अमेरिका के प्रीमियर पर डाउनी डाउनी ने थिएटर भूमिकाओं पर निर्माण करना शुरू किया उन्नीस में मिडिल क्लास के लिए अलम्स में गेवा थिएटर सेंटर में तीन सप्ताह के लिए मंच पर अपनी शुरुआत की 24 उन्होंने उन्नीस में जॉयस थिएटर में नॉर्मन लियर द्वारा निर्मित अल्पकालिक ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल अमेरिकन पैशन में भी प्रदर्शन किया दो पांच एक नौ आठ चार में डाउनी को फिल्म फर्स्टबॉर्न में एक भूमिका मिली जहां उनकी मुलाकात सारा जेसिका पार्कर से हुई और इस जोड़ी ने डेटिंग शुरू कर दी दो छ नौ आठ पाँच में वह सैटरडे नाइट लाइव के लिए नियुक्त किए गए नए युवा कलाकारों का हिस्सा थे डाउनी ने कहा है कि एंथनी माइकल हॉल जिनसे उनकी मुलाकात उनके वियर्ड साइंस के सेट पर हुई थी और उनसे दोस्ती हुई थी ने उन्हें ऑडिशन दिलाने में मदद की थी सत्ताईस हालांकि एक साल तक खराब रेटिंग और नए कलाकारों की हास्य प्रतिभा की आलोचना के बाद उन्हें और अधिकांश नए दल को हटा दिया गया और उनकी जगह ले ली गई अठारह रोलिंग स्टोन पत्रिका ने डाउनी को अपने पूरे दौर में सबसे खराब एसएनएल कास्ट सदस्य बताया और कहा कि डाउनी फेल उन सभी चीज़ों का सार प्रस्तुत करता है जो एसएनएल को महान बनाती हैं उसी वर्ष डाउनी को अभिनय में नाटकीय सफलता मिली जब उन्होंने टफ टर्फ में जेम्स स्पैडर के साइड किक की, की भूमिका निभाई और फिर जॉन ह्यूजेस की वियर्ड साइंस में एक बदमाश की भूमिका निभाई मॉली रिंगवाल्ड उन्हें जॉन ह्यूजेस की फ़िल्म प्रिटी इन पिंक उन्नीस में डकी की भूमिका के लिए चाहती थीं लेकिन यह भूमिका जॉन क्रायर को मिल गई 1930, उन्होंने द पिकअप आर्टिस्ट उन्नीस में अपनी पहली मुख्य भूमिका में रिंगवार्ड के साथ अभिनय किया 1980 के दशक के दौरान डाउनी द्वारा की गई इन और अन्य युगीन फिल्मों के कारण उन्हें कभी कभी ब्रैड पैक के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है अठारह इकतीस हॉलीवुड चले गए और साथ कलाकारों बिली जेन के साथ रहे जो बाद में उनलियू उन्नीस सौ चौरानवे में डाउनी के साथ दिखाई दिए सारा जेसिका पार्कर और किफर सदरलैंड जिन्होंने उन्नीस सौ उनहत्तर उन्नीस सौ अट्ठासी में डाउनी के साथ अभिनय किया बत्तीस तैतीस उन्नीस सौ सत्तासी में डाउनी ने ब्रेट ईस्टर्न एलिस के उपन्यास लेस दैन जीरो के फिल्म संस्करण में जूलियन बेल्स नाम के एक नशे के आदि अमीर लड़के की भूमिका निभाई जिसका जीवन तेजी से उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है द न्यूयॉर्क टाइम्स में जेनेक मसलिन द्वारा वर्णित उनके प्रदर्शन को बेहद आगे बढ़ाने वाला बताया गया चौंतीस की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई हालांकि डाउनी ने कहा है कि उनके लिए यह भूमिका क्रिसमस भविष्य के भूत की तरह थी क्योंकि उनकी नशीली दवाओं की आदत के कारण उन्हें वास्तविक जीवन में चरित्र का अतिशोक बनना 35 फिल्म पूरी करने के तुरंत बाद डाउनी पहली बार पुनर्वास में गए इस प्रकरण के बाद उन्नीस में उनकी गिरफ्तारी से पहले अगले दशक में पुनर्वास में कई हस्तक्षेप और प्रयास किए गए छत्तीस सैतीस जीरो ने डाउनी को बड़े बजट और नाम वाली फिल्मों में ले लिया जैसे सिबिल शेफर्ड और रयान उनील के साथ चांसेस आर उन्नीस मेल गिब्सन के साथ एयर अमेरिका उन्नीस और सैली फील्ड के साथ सोपडिश उन्नीस सौ इक्यानवे केविन क्लाइन कैथी मोरियार्टी और भूपी गोल्डबर्ग अड़तीस उनतालीस चालीस उन्नीस सौ बानवे में उन्होंने चैपलिन में चार्ली चैपलिन की भूमिका निभाई इस भूमिका के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारी की वायलिन बजाना सीखा और साथ ही बाएं हाथ से टेनिस भी सीखा चैपलिन की मुद्रा और खुद को संभालने के तरीके की नकल करने में मदद करने के लिए उनके पास एक निजी कोच था इकतालीस इस भूमिका के कारण डाउनी को अकादमी पुरस्कार पैंसठवें समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला लेकिन वह सेंट ऑफ वुमन में पचिनो से हार गए चार दो एक नौ नौ तीन में वह अल्फ़्रे वुडार्ड और कायरा सेड्विक के साथ है आर्ट एंड सोल्स और मैथ्यू मोडाइन और जूलियन मूर के साथ शॉर्ट कट्स में दिखाई दिए साथ ही उन्होंने उन्नीस सौ बानवे के राष्ट्रपति अभियानों के बारे में द लास्ट पार्टी उन्नीस सौ तिरानवे नामक एक वृत्तचित्र भी लिखा तैंतालीस चवालीस पैंतालीस उन्होंने उन्नीस सौ चौरानवे की फिल्मों ओनली में मारिसा टोमेई के साथ और नेचुरल बॉर्न किलर्स में बुडी हैरल्सन के साथ अभिनय किया छियालीस सैंतालीस इसके बाद वह रेस्टोरेशन उन्नीस सौ पंचानवे रिचर्ड थ्री उन्नीस सौ पंचानवे होम फॉर द हॉलीडेज उन्नीस सौ पंचानवे टू गर्ल्स एंड ए गाई उन्नीस सौ सत्तानवे अड़तालीस में यूएस मार्शल्स में स्पेशल एजेंट जॉन रॉयस के रूप में दिखाई दी ए उन्नीस सौ अट्ठानवे और ब्लैक एंड व्हाइट उन्नीस सौ निन्यानवे में उनचास पचास इक्यावन बावन एक नौ नौ छः दो शून्य शून्य एक व्यसन संबंधी असफलताएं और एली मैकबी उन्नीस सौ छियानवे से दो हजार एक तक डाउनी को कोकीन हेरोइन और मारिजुआना सहित दवाओं से संबंधित आरोपों में कई बार गिरफ्तार किया गया था तिरपन उन्होंने काउंटी जेल और जेल में दवा उपचार कार्यक्रम और समय बिताया उन्होंने 1999 में एक न्यायाधीश को समझाया यह ऐसा है जैसे मेरे मुंह में एक बंदूक है और मेरी उंगली ट्रिगर पर है और मुझे बंदूक की धातु का स्वाद पसंद है उन्होंने कहा कि आठ साल की उम्र से ही उन्हें नशीली दवाओं की लत लग गई थी क्योंकि उनके पिता उन्हें ये दवाएं देते थे चौवन उन्नीस की शुरुआत में दावनी के लिए अधिक चिंतित होने के बाद शॉन पेन और डेनिस क्वैड ने उसका दरवाज़ा खटखटाया उसकी चाबियां ले लीं और उसे टक्सन के एक पुनर्वास केंद्र में ले गए हालांकि डाउनी भाग गया और कुछ दिनों बाद खुद को जांच कराया 1936 जून 1996 में डाउनी को हेरोइन कोकीन क्रैक और एक अनलोडेड तीन मैग्नम हैंडगन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जब वह सनसेट बुलेवार्ड पर तेजी से गाड़ी चला रहा था एक महीने बाद पैरोल पर रहते हुए वह नियंत्रित पदार्थ के प्रभाव में एक पड़ोसी के घर में खुले दरवाजे से घुस गया और एक बिस्तर पर सो गया पचपन छप्पन परिवार ने अतिक्रमण का आरोप लगाने से इनकार कर दिया सैंतीस पड़ोसी की 911 कॉल का टेप ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था और इसे गोल्डीलॉक्स घटना के रूप में जाना गया उन्नीस नवंबर उन्नीस में अदालत द्वारा आदेशित पुनर्वसन में समय बिताने के बाद उन्हें छह महीने का लिव इन पुनर्वसन तीन साल की परिवीक्षा मिली और अनिवार्य दवा परीक्षण से गुज़रने का आदेश दिया गया तीन सात एक नौ नौ सात में वह अदालत द्वारा आदेशित दवा परीक्षणों में से एक में चूक गए और उन्हें लॉस एंजल्स काउंटी जेल में छः महीने बिताने पड़े अट्ठावन रिहा होने के बाद वह अदालत द्वारा आदेशित 120 दिवसीय पुनर्वास कार्यक्रम में चले गए सैतीस उन्नीस में हेडशॉट के लिए मुस्कुराते हुए अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक मगशॉट अगस्त 1999 में उनकी गिरफ्तारी से मुगशॉट 2001 में अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक मगशॉट अप्रैल 2001 में उनकी गिरफ्तारी से मुकशॉट उन्नीस सौ निन्यानवे में वंडर बॉयज़ की शूटिंग के दौरान साफ होने के बाद डाउनी फिर से बीमार पड़ गए इस दौरान वह कानूनी बिलों से जूझ रहे थे और उन्होंने मालिबू में अपना घर खो दिया था तीन एक नौ 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 में जब डाउनी एक और आवश्यक दवा परीक्षण से चूक गए तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया डाउनी के वकील रॉबर्ट शापिरो ने वकीलों की उसी टीम को इकट्ठा करने के बावजूद जिसने हत्या के आपराधिक मुकदमे के दौरान ओजे सिंपसन का सफलतापूर्वक बचाव किया था चौवन डाउनी को कैलिफोर्निया मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार सुविधा और राज्य जेल में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी कोरकोरन कैलिफोर्निया उनसठ गिरफ्तारी के समय डाउनी की सभी फिल्म परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं और रिलीज होने के करीब थीं। उन्हें एनबीसी एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला गॉड द डेविल एंड बॉब में शैतान की आवाज देने के लिए काम पर रखा गया था लेकिन जब वह रिहर्सल में शामिल नहीं हो सके तो उन्हें निकाल दिया गया उनसठ साठ कैलिफ़ोर्निया मादक द्रव्य दुरुपयोग उपचार सुविधा और राज्य कारागार में लगभग एक वर्ष बिताने के बाद 5,000 डॉलर की जमानत की शर्त पर डाउनी को अप्रत्याशित रूप से मुक्त कर दिया गया जब एक न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाया कि कारावास सुविधाओं में उनके सामूहिक समय प्रारंभिक उन्नीस की गिरफ्तारी से ने उन्हें योग्य बना दिया था शीघ्र रिहाई के लिए चार अपनी 2000 की रिलीज़ के एक सप्ताह बाद डाउनी एक नई प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए हिट टेलीविज़न श्रृंखला एली मैकबील के कलाकारों में शामिल हो गए इकसठ उन्हें कॉमेडी सीरीज़ में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज़ मिनी सीरीज़ या टेलीविज़न फ़िल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता बासठ तिरसठ वह वोंडा शेपर्ड के एली मैकबी फॉर वंस इन माई लाइफ एल्बम में एक लेखक और गायक के रूप में भी दिखाई दिए और श्रृंखला के एक एपिसोड मिस्टिंग के साथ एवरी ब्रीथ यू टेक का युगल गीत गाया स्पष्ट सफलता के बावजूद डाउनी ने दावा किया कि श्रृंखला में उनके प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और कहा व्यसनों के मामले में यह मेरा सबसे निचला बिंदु था उस स्तर पर मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैंने फिर कभी अभिनय किया है या नहीं 1935 जनवरी 2001 में डाउनी को मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित लॉस एंजल्स स्टेज प्रोडक्शन में हेमलेट की भूमिका निभानी थी 64 एली मैकबील पर अपने पहले सीजन के अंत से पहले डाउनी को 2000 में थैंक्स गिविंग पर गिरफ्तार किया गया था जब कैलिफ़ोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में मर्व ग्रिफिन के होटल और गिवेंची स्पा में उनके कमरे की पुलिस ने तलाशी ली थी जो एक गुमनाम 911 का जवाब दे रहे थे पुकारना डाउनी एक नियंत्रित पदार्थ के प्रभाव में था और उसके पास कोकीन और वैलियम था पैंसठ छियासठ रोलिंग स्टोन ने बाद में सप्ताहांत की घटनाओं की छह पेज की जांच की छत्तीस इस तथ्य के बावजूद कि दोषी पाए जाने पर उन्हें चार साल और आठ महीने तक की जेल की का सामना करना पड़ता उन्होंने कम से कम आठ और एली मैकबील एपिसोड में दिखाई देने के लिए हस्ताक्षर किए उन्नीस अप्रैल 2001 में जब डाउनी पैरोल पर था लॉस एंजल्स के एक पुलिस अधिकारी ने उसे कलवर सिटी में नंगे पैर घूमते हुए पाया उन्हें नशीली दवाओं के प्रभाव में होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था लेकिन कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया अड़सठ हालांकि परीक्षणों से पता चला कि उनके शरीर में कोकीन थी उनहत्तर इस आखिरी गिरफ्तारी के बाद एली मैकबील के अधिकारियों ने अंतिम समय में पुनर्लेखन और पुनर्शूट का आद। एश दिया और डाउनी को निकाल दिया इस तथ्य के बावजूद कि डाउनी के चरित्र ने एली मैकबील की रेटिंग को पुनर्जीवित कर दिया था सत्तर कल्वर सिटी गिरफ्तारी के कारण उन्हें हाई प्रोफाइल फिल्म अमेरिका स्वीट हार्ट्स में एक भूमिका भी नहीं मिली उनहत्तर और उसके बाद जेल में रहने के कारण गिब्सन को अपना हेमलेट प्रोडक्शन रद्द करना पड़ा जुलाई 2001 में जेल जाने से बचते हुए डाउनी ने पाम स्प्रिंग्स के आरोपों पर कोई प्रतिवाद नहीं करने का अनुरोध किया इसके बजाय उन्हें नशीली दवाओं के पुनर्वास में भेजा गया और तीन साल की परिवीक्षा प्राप्त की कैलिफोर्निया प्रस्ताव 36 से लाभ हुआ जिसे अहिंसक नशीली दवाओं के अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उनकी लत से उबरने में मदद करने के उद्देश्य से एक साल पहले पारित किया गया था चार इकहत्तर डाउनी ने अदालत द्वारा आदेशित दवा उपचार सुविधा में एक वर्ष बिताया इस समय तक डाउनी बेघर हो चुके थे रोजगार लायक होने के लिए उनकी बीमा देनदारी इतनी अधिक थी कि वे दिवालिया होने की कगार पर थे छत्तीस कन्वर्सेशन विद वुडी एलन पुस्तक में बताया गया है कि निर्देशक वुडी एलन 2003 में अपनी फिल्म मेलिंडा एंड मेलिंडा में डाउनी और विनोना राइडर को कास्ट करना चाहते थे लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि वह उन पर बीमा नहीं ले सकते थे एलन ने कहा हम बंधन में नहीं बंध सके जब तक हम उनका बीमा नहीं करा लेते तब तक सम्पूर्ण संबंध बनाने वाली कंपनियां तस्वीर को बंधन में नहीं बांधेंगी हमारा दिल टूट गया था क्योंकि मैंने पहले विनोना के साथ सेलिब्रिटी पर काम किया था और मुझे लगा कि वह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त दोस्तों एपिसोडों की बात की जाए तो 14 अप्रैल को इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ किया गया और इसके बाद अब इसका सेकेंड जो एपिसोड है वो हमें 21 अप्रैल को तकरीबन देखने को मिल सकता है जी हाँ दोस्तों सात दिन के गैप के अंदर पर एपिसोड रिलीज़ किया जाएगा और 21 तारीख वो रहने वाली है जिस दिन इसका दूसरा एपिसोड देखने को मिले इसी सिक्वेंस के अंदर तकरीबन छः से सात एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे पर वीक और साथ ही साथ अगले या उससे अगले महीने तक इसे खेचा जा सकता है तकरीबन इतने एपिसोडों के साथ तो आप इसे जियो सिनेमा पर इंडिया के अंदर देख पाओगे यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में